स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे इंटरनेट का सेंसेशन के बारे में, नाइकॉन फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा के बारे में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिव्यू जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं काफ़ी सारे रिव्यूअर्स को जोड़ के बना रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप वो सारे रिव्यूअर्स के नाम देख सकते हैं, और मैंने उनसे भी ज़्यादा डिटेल लिया है, लेकिन ये सारे अच्छे अच्छे रिव्यूअर्स मिले तो मैंने इनका लिस्ट डाल दिया है। बहुत सारे रिव्यूअर्स को मैंने जोड़ के, 10-15 रिव्यूअर्स को जोड़ के ये रिव्यू आपके लिए बना रहा हूँ, जहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगा। तो पहले आइए इसके बारे में समझते हैं, ये है क्या। नाइकॉन पहले से ही मिररलेस बना रहा था, लेकिन वो 1 इंच सेंसर पे बना रहा था, तो उसको अबैंडन करके ये लोग एक फुल फ्रेम बना रहे हैं जो कि प्रोफेशनल यूज़ कर सकें। बहुत बढ़िया। दूसरा, नाइकॉन के पास एक बेनिफिट है जो सोनी के पास नहीं है, कि इसके पास लेंस का बहुत बड़ा मार्केट है। तो लेंस का मार्केट छोड़ ना दें, इसलिए वो लोग अपने पुराने लेंस का मार्केट को सपोर्ट करेंगे, जो एफ माउंट कहा जाता है, जो कि आप कैमरे में दे सकते हैं। वो एफ माउंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी आपका जो भी लेंस उस माउंट के साथ काम करेगा वो ये नए कैमरे में भी काम करे। तो उसके बावजूद भी इन्होंने एक नया माउंट बनाया है, ये जी माउंट ये इसलिए बनाया है कि वो जो पुराना माउंट आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना है, मतलब 60 साल से पुराना है। तो इसे इंजीनियरिंग में काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका है आजकल, तो सब डेवलपमेंट को जोड़ के, मतलब आज के ज़माने को क्या चाहिए, आज क्या किया जा सकता है, वो सब देख के हिसाब ये बन रहा है कि नहीं एक नया माउंट बनाते हैं जो सूट कर, वो 60 साल से चल रहा है तो अब कुछ नया लगाते हैं। तो ये सब कर लिया। अब आपको ये समझना होगा कि मैं इस रिव्यू को 3 पार्ट में बांट रहा हूँ, कि पहला अच्छा अच्छा बात क्या क्या है, दूसरा खराब बात क्या है, तीसरा वो खराब बात क्यों है। तो आइए देखते हैं। पहला आपको ये समझना पड़ेगा, ये नाइकॉन है, मतलब सोनी के बारे में सब लोग यही कहते हैं उसका हैंडलिंग बहुत ख़राब है, दिमाग ख़राब हो जाता है उसका हैंडलिंग करने में। नाइकॉन बहुत साल से चल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि नाइकॉन का DSLR होगा या कैनन का DSLR होगा, तो वो सब का हालत मिला के आप आराम से नाइकॉन पकड़ सकते हो और सीख सकते हो। और अगर आप नाइकॉन पहले से यूज़ कर रहे हो तो इस कैमरे में जंप करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, एकदम बिंदास हो जाएंगे। नाइकॉन मतलब नाइकॉन 100 साल से चल रही है, आता है उसको कैमरा बनाना आता है, नाइकॉन का एक क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आपको इस कैमरे में मिल जाएगी। और इसे वेदर सील भी कर दिया गया है, तो मतलब कि अगर बारिश वरिश हो गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पानी में डुबा दीजिए, बारिश वरिश हो गया तो आप अपने कैमरा को, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, मतलब जैसे आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं बारिश होने लगे, टेंशन नहीं लेना है। और हैंडलिंग के बारे में जितने भी रिव्यूज में मैंने देखा कि हैंडलिंग के बारे में सब A+ थे, कि भाई इसकी हैंडलिंग सोनी से बेटर है। दूसरा, आपके जो पुराने लेंसेस हैं जो आपने नाइकॉन के लिए खरीदे हैं, जो लेंस कई महंगे महंगे लेंस आते हैं, 30,000, 35,000, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो लेंस लिए हैं, वो बर्बाद नहीं हो, क्योंकि उसके लिए एक माउंट खरीद सकते हैं जो माउंट है, और वो माउंट फुल सपोर्ट देगा। ऐसा नहीं कि बस आप लगा दे रहे हो और आपको मैनुअल फोकस करना है, ऑटो फोकस भी चलेगा, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आते हैं, प्लस वाइब्रेशन रिडक्शन भी काम करेगा, तो आपको उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये इकलौता कैमरा है जो मिररलेस है, फुल फ्रेम है और टच स्क्रीन है। तो आप बोलोगे नहीं सोनी में टच स्क्रीन, सोनी का टच स्क्रीन यूजलेस है, क्योंकि उसमें सिर्फ टच करके आप फोकस कर सकते हो, मेन्यू नहीं छेड़ सकते। ये सोनी जानबूझ के किया है, मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया है। और आपको ये समझ, इसमें USB चार्जिंग है, ये नाइकॉन का पहला कैमरा है जिसमें, मतलब DSLR सीरीज में, मतलब इंटरचेंजेबल लेंस में, जिसमें ये चार्जिंग दे रहे हैं। 1 सीरीज में होगा तो मुझे नहीं पता है, मतलब आप USB लगा के चार्ज कर सकते हो। और ये पहला फुल फ्रेम है नाइकॉन की तरफ से जिसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर, मतलब ये समझिए हमारे लोग लेंस जो खरीदते हैं, लेंस में एक छोटी सी ऑप्टिकल एलिमेंट होती है जहाँ पे आप लेंस का डायग्राम देखें, लेंस ऐसे लाइट आ रहा है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है, छोटा सा निकल जा रहा है, तो वो छोटे पॉइंट पे एक लेंस एलिमेंट डाला जाता है जिसको मूव करके हम लोग वाइब्रेशन रिडक्शन करते हैं। तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो रोल नहीं करता, मतलब आपका कैमरा थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया, वो सब नहीं कंट्रोल करता, वो ऊपर नीचे, मतलब 2 एक्सिस में अप डाउन, दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं को आराम से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मतलब कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया वो सब को कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा घूम गया उसका कुछ नहीं कर सकता, तो सेंसर ये सब कर सकता है। तो ये लोग क्या कि सेंसर में 5 एक्सिस डाल दिए, जो एक्सिस है आपका XY, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो भी कंट्रोल करेगा, प्लस अगर थोड़ा सा घूम गया आपका कैमरा तो ये सेंसर को उल्टा घुमा के कंट्रोल करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सेंसर ही गोल गोल घूमने लगेगा, लेकिन मतलब समझो थोड़ा सा वाइब्रेशन कंट्रोल कर देगा, यॉ है थोड़ा सा, तो ये सारे एक्सेस को कंट्रोल देने से काफ़ी आराम से नाइकॉन अपना, मतलब पुराने लेंसेज को भी सपोर्ट कर सकता है और नए लेंस को भी सपोर्ट कर सकता है। और जनरली मैंने आपको बताया कि आपका लेंस में जो वाइब्रेशन रिडक्शन है वो सिर्फ दो ही चीज़ को कंट्रोल करता है, ऊपर नीचे का दाएं बाएं को संभाल सकता है, ये सबको संभाल सकता है, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छा कैमरा है, अगर आपके पास नाइकॉन का खूब सारा लेंस है तो आप खुश रहेंगे इसके साथ। तो अब आइए बुरा बात के बारे में देखते हैं। पूरा YouTube कम्युनिटी पगला गया इस बात पे कि ये इतना महंगा कैमरा में सिर्फ एक कार्ड स्लॉट है।
तो अगर आप नहीं जानते, सस्ते DSLR में जनरली एक कार्ड स्लॉट दिया जाता है, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल लोग आजकल नहीं चाहते कि उनके कैमरा में एक कार्ड स्लॉट हो, चाहते कि दो हो। वो इसलिए कि मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी के वेडिंग में हैं, फोटो खींच रहे हैं, आपका कार्ड करप्ट कर गया, दो कार्ड में रहने से चांसेस है कि एटलीस्ट एक बचा रह जाएगा। अगर ऐसा कभी हुआ कि आपका किसी के वेडिंग में पूछ रहे हैं और आपका कार्ड करप्ट हो गया, मतलब कार्ड सही सलामत है लेकिन आपने कार्ड रिडम लगाया, कार्ड रीड ही नहीं करा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ है, हज़ारों बार होता है। मतलब 3% पे अगर आप अच्छा ब्रांडेड भी लोगे, चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ख़राब हो सकता है, खराब हो गया था, आप किसी को क्या बोलोगे कि आपकी पूरी शादी ही नहीं है मेरे पास। मतलब आप समझिए, किसी की शादी के फोटो में ऐसा हो गया तो जनरली जब कैमराज नहीं होते थे तो 2-3 कैमरा ले लेके लोग फोटो खींचते थे, और रोल में आपके पास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रोल एक फिजिकल चीज़ है, आप मतलब देख सकते हो, जब तक आप उसको डेवलप करने टाइम बेवकूफ़ी ना करोगे वो रोल बचा रहेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ये रिस्क होता है, तो इसलिए प्रोफेशनल हमेशा चाहते हैं कि दो रहे, खास करके अगर वेडिंग कर रहे हैं तो, वेडिंग फोटोग्राफी में, कि सेफ्टी के लिए रहे। हाँ, अगर आप सस्ते फोटोग्राफर को ले रहे हो तो शायद आपके मुंह पे ही बोल रहे हैं कितना दे, कितना रहा था उसमें, उम्मीद क्या कर रहा है, उड़ गया उड़ गया, तो वो है। दूसरा, ये बैटरी जो इसमें लगाया है वो बैटरी पुराना बैटरी से सेम है, मतलब कैनन 800 सीरीज़ का जो बैटरी है वो इसमें लगेगा, तो सब लोग बड़ा कैनन बोल रहा हूँ, नाइकॉन, तो सब लोग काफ़ी कुछ, लेकिन वो पुराना बैटरी चार्ज नहीं कर सकता, मतलब इसके लिए एक नई बैटरी बनाएगी। अब ये मैं समझ में नहीं पाया क्यों ऐसा किया गया है, उसका मैं सिर्फ एक रीज़न है, ये मतलब कैमरा की जो बॉडी है वो इतना छोटा है कि उसमें चार्ज कंट्रोलर जो चाहिए होता बैटरी चार्जिंग के लिए वो नहीं लगा पाए, तो उन्होंने बैटरी में ही चार्ज कंट्रोलर डाल दिया, क्योंकि बिना इसके कोई सेंस नहीं बनता कि ऐसा क्यों चूतिया पाकी है कि भैया आप नया बैटरी खरीदो, मतलब उनको भी महंगा पड़ेगा बनाना, उनको भी नया पीस बनाने में महंगा पड़ेगा, उनके पुराने बैटरीज अब बिकेंगे कम, क्योंकि मतलब तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे भगवान जाने। दूसरा, इसके स्क्रीन बाहर नहीं आता, तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि आजकल सबको आदत पड़ गया है ऐसा करने का, मैं भी अभी उसी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे कैमरे में भी DSLR में भी स्क्रीन बाहर आ जाता है, फ्लिप आउट स्क्रीन कहा जाता है ना, कैनन का 800 सीरीज में नहीं कर सकते, उसमें बटन इस जगह पे साइड में बटन होता है, इसमें नहीं है फिर भी दिए। और ये आप समझिए कि इसका जो CPU है, जो इसका मतलब प्रोसेसिंग कर रहा है, वो बहुत कमज़ोर है, वो इतना कमज़ोर है कि 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सेंसर मतलब किसी भी फ्रेम पर चल सकता है, आपका प्रोसेसर अगर हैंडल कर ले तो, इसका प्रोसेसर नहीं हैंडल कर सकता। दूसरा, अब इसमें आप सुनेंगे कि कई जगह लोग बोल रहे हैं 120 फ्रेम पर सेकंड है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्रॉप कर देता है, मतलब जिस टाइम वो आपका मान लीजिए फुल 35mm का फ्रेम है, ऐसे क्रॉप कर देगा, या जो ऐसे कर रहे हैं ऐसे है अगर आपका इतना, तो इतना हो जाता है, तो ये क्रॉप करने से उसका डेटा कम हो जाता है, मतलब जितना डेटा उसको हैंडल करना है, क्योंकि अगर ऐसे फुल HD में कर रहा है तो वो पर पिक्सल का डेटा मतलब लेगा, उसके बाद 4 पिक्सल को मिला के 1 पिक्सल का वैल्यू निकालेगा, तो समझ रहे मैथमेटिक्स काफ़ी करना पड़ता है, नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए 120 फ्रेम पर सेकंड पे वो क्रॉप कर देगा। फिर इसमें 10-bit के बारे में आप लोग काफ़ी सुन रहे हैं कि ये 10-bit आउटपुट देता है, तो 10-bit आउटपुट ये इंटरनली रिकॉर्ड नहीं करता, आपको एक्स्ट्रा सामान खरीदना पड़ेगा। तो ये आप समझिए, कैमरा ठीक है, सब मिला के ये कैमरा ठीक है, अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि क्या बात है। तो अब मैं यहाँ कुछ कैमरा दिखा रहा हूँ, जो फूजी है, फूजी में आप देखिए सबसे पहले वो आया था कि LCD स्क्रीन ढंग की लगाए, घड़ी वाला LCD स्क्रीन आपको ना दे दे, जो टॉप स्क्रीन रहता है ढंग की टच स्क्रीन रहे, मतलब टच स्क्रीन नहीं लेकिन एक ढंग की स्क्रीन रहे। दूसरा, ये पैनासोनिक के चलते वीडियोग्राफी इतना सीरियस हो गया इंटरचेंजेबल लेंस में, सोनी उसी दाम में डुअल कार्ड भी दे रहा है, प्लस अच्छे खासा वीडियो फंक्शंस भी दे रहा है, सब चीज़ इतना इसका बेसिक है, मतलब ख़राब कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लाया कि अरे वाह क्या लाया है। मतलब जैसे पैनासोनिक ने जब ये उतारा, जैसे ही इसमें उन्होंने बोला कि भैया इसमें डुअल कार्ड स्लॉट है, लोग तो पागल हो गए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैमरा की तरह कोई नहीं देखता, लेकिन आप बोलो किसी का डुअल कार्ड स्लॉट है, और मान लीजिए वो सीरियस वेडिंग फोटोग्राफी करता है या वेडिंग वीडियोग्राफी करता है, तो बोलेगा भाई हमको दो, पैनासोनिक किया, फिर बोला हम 10-bit करेंगे, लोग और खुश, बोला 10-bit इंटरनली करेंगे, लोग उड़ने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि नाइकॉन मतलब 4-5 साल से खाली बैठा हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने जो कैमरा निकाला वो तो ऐसा क्यों हुआ, अब मैं वो उसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। तो आपको ये समझ लो कि उनका स्टॉक जो मार्केट है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, वो ज़्यादा अच्छा कर नहीं रहा है। यहाँ एक छोटा सा ग्राफ है, आप गूगल में देख सकते हो, तो 2007 के आसपास मतलब 7-8 में ये लोग खूब प्रॉफिट पे थे, उसके बाद घटते गए और अभी तक वापस उस हाइट पे नहीं पहुँचे, तो मतलब ओवरऑल कंपनी इनका बहुत ज़्यादा कर नहीं रही है। दूसरा, इन जैसे जैसे ये मार्केट ड्रॉप होने लगा कैमरा मार्केट में, तो ये लोग यह क्या किए कि दूसरे फील्ड्स में घुस गए, वो इंडस्ट्रियल फील्ड है, हम लोग को नहीं पता है लेकिन इंडस्ट्रियल फील्ड, जैसे आप ये समझिए, आप सोचते होंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, सैमसंग कॉरपोरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सा हिस्सा है, वो कंटेनर शिप बनाता है, वो प्रोसेसर्स बनाता है, वो उसमें लिटरली आप
आधा से ज़्यादा रैम चिप वही बनाता है, आधा से ज़्यादा स्टोरेज चिप एप्पल में जो स्टोरेज चिप लगा हुआ वो भी वही बनाता है। तो ये सब हिसाब देखिए, वो एलसीडी स्क्रीन एप्पल को वही बेचता है, एमोलेड स्क्रीन सैमसंग बना के एप्पल को बेच रहा है, इसलिए एप्पल एक्स आईफोन एक्स का दाम इतना ज़्यादा है क्योंकि सैमसंग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है उसके लिए। तो आप समझिए कि ये कंपनी नाइकॉन जो है, पहले कैमरा और ऑप्टिक्स इनका स्पेसिफिक था, तो अभी लोग बट गए हैं, मतलब खूब सारी चीज़ और कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं। और नाइकॉन इंडस्ट्री अगर आप टाइप कीजिएगा आपको मिल जाएगा कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो वो सब देखने के बाद भी आपको ये समझना होगा कि इनका बहुत ज़्यादा पैसा इससे नहीं आ रहा, कैमरा से नहीं आ रहा है। तो उसके बाद भी आप ये समझिए कि इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे कहते हैं R&D लैग। तो जैसे आप ये देखें, GoPro जब चला था तो ये लोग उसमें कूदना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये लोग बनाए जो ये इनका GoPro से कम्पीट कर रहे हैं, तब तक वो हाइप ख़त्म हो गया। तो समझिए R&D लैग होता है। दूसरा Nikon One आप देखें, इसमें भी ये लोग कुछ नहीं किए, जबकि बना चुके थे, लेंस भी लॉन्च कर रहे थे, कुछ किए नहीं, मतलब कोई भी नया चीज़ नहीं डाले। फिर ये 2016 में DL लाइन्स कैमरा लॉन्च करने वाले थे, वो भी कुछ नहीं किया, मतलब आया छोड़ दिए, प्री ऑर्डर लेके कैंसिल करके पैसा लौटा दिए। तो ये सब समझ के आप ये देखिए, नाइकॉन ध्यान नहीं देता, नाइकॉन को कोई लेना देना नहीं है। नाइकॉन क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हो गई, इसलिए अब अगर उनका कैमरा बंद भी हो जाए उनको कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरे जगह से पैसा आ रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन मिररलेस सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।